Hello student, today we see the next problem which is based on the time response specification. Okay, so see, the problem is that the second order system has a C of S upon R of S is equals to 25 upon S square plus 6S plus 25 for unity step input. Okay, determine first it is natural and damp frequency and oscillations. Second, rise time. थर्ड है आपको पिक ओवरशूट परसेंट एमपी. फोर्थ इट इज एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट रिस्पांस. ओके, ये चार जो है आपको फाइंड आउट करने हैं, डिटरमाइन करने हैं. सेकंड ऑर्डर सिस्टम दी है आपको ऑलरेडी. सो फर्स्ट वी फाइंड द नेचुरल एंड डैम फ्रिक्वेंसी एंड ऑसिलेशंस. ओके, सो सी the solutions is that first we write the given equation or given problem, that is a transfer function is equals to 25 upon s square plus 6s plus 25. ओके, और सेकेंड ऑर्डर का जो इक्वेशन है वो आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बताया मैंने क्या है ओमेगा एन स्क्वेयर अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ईटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वेयर. ओके, सो वी हैव, हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, उसके हिसाब से ओमेगा एन और ईटा की वैल्यू निकालेंगे. ओके, सो सी, दिस इज द फर्स्ट वी कंपेयर द ओमेगा एन स्क्वायर एंड फर्स्टली वी कंपेयर दिस ओमेगा एन स्क्वायर दिस वन टू द दिस वैल्यू. ओके, सो सी ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 25. सो ओमेगा एन कितना आएगा आपका, दैट इज द 5. ओके, नेक्स्ट टर्म हम लोग कंसिडर करने वाले हैं ट्वाइस ईटा ओमेगा एन एस और 6s के साथ. तो क्या होगा आपका, दैट इज, सो सी कंपेयर करने के बाद क्या होगा, जो भी आपकी जो वैल्यू है. ओके, सो क्या होगी, दैट इज ओमेगा ट्वाइस ईटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 6 होगा. तो ईटा इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, 0.6. देन नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द राइज टाइम. ओके, राइज टाइम क्या है आपका, दैट इज फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज टी आर इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा अपॉन ओमेगा डी. ओके, सो सी दिस इज द फॉर्मूला फॉर राइज टाइम, पाई माइनस थीटा अपॉन ओमेगा डी. ओके, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, थीटा और ओमेगा डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ पे. ओके, सो क्या होगा, ओमेगा डी का ऑलरेडी आपको फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला है, ओमेगा डी इज इक्वल्स टू ओमेगा एन रूट ऑफ वन माइनस ईटा स्क्वेयर. ओके, और ऑलरेडी हम लोगों ने ईटा की वैल्यू निकाली है, दैट इज़ द 0.6 यहाँ पे हमने पुट कर दिए हैं. और ये अगर सॉल्व कर दिया तो आपका आंसर आएगा ओमेगा डी इज इक्वल्स टू 4 रेडियन पर सेकेंड. ओके, उसके बाद में आपको क्या निकालना है, थीटा चाहिए आपको राइज टाइम के लिए. सो ऑलरेडी थीटा का जो फॉर्मूला आपको पता है, टैन इनवर्स रूट ऑफ वन माइनस ईटा स्क्वेयर अपॉन ईटा. ओके, ऑलरेडी ईटा की वैल्यू आपको पता है 0.6, तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे और टैन इनवर्स निकाल देंगे, तो जो थीटा है वो आएगा आपका 0.9272 रेडियन. ओके, और अभी आपको जो है दोनों वैल्यू मिल गई है, दैट इज ओमेगा डी और थीटा. ये दोनों वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो आपका जो टी आर है, दैट इज़ राइज टाइम है, वो भी निकल आ जाएगा. क्या होगा, 0.5535 सेकेंड. ओके, तो ये होगा आपका राइज टाइम. अभी नेक्स्ट जो है आपको क्या निकालना है, पीक ओवरशूट परसेंट ऑफ एमपी. ओके, सो सी पीक ओवरशूट का ऑलरेडी आपको जो है फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है, दैट इज़ द परसेंट ऑफ एम पी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस
pi eta upon root of 1 minus eta square into 100. ओके अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, ईटा की वैल्यू पुट कर देंगे. ओके ईटा की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने निकाली है 0.6. ये पूरा सॉल्व करने के बाद e टू द पावर, ये जो आपको कैलकुलेटर में सॉल्व करना पड़ेगा और आपको लास्ट में वैल्यू मिलेगा MP इज इक्वल्स टू 9.46%. ओके उसके बाद में सेटलिंग टाइम का भी फॉर्मूला आपको पता है. सेटलिंग टाइम का फॉर्मूला क्या है, दैट इज 3.914 अपॉन ईटा ओमेगा एन. ओके ओके 3.94 में से आपको जो है 4 है. ओके 4 अपॉन ईटा ओमेगा एन, ऑलरेडी हमको ईटा भी पता है और ओमेगा एन भी हम लोगों ने निकाल लिया था कंपेयर करके. ओके सो ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो अपना जो सेटलिंग टाइम है वो आएगा 1.30 सेकेंड. ओके उसके बाद में आपको लास्ट में निकालना है, दैट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट रिस्पॉन्स. ओके ये भी फॉर्मूला है आपका, CT इज इक्वल टू 1 minus e to the power minus eta omega nt अपॉन रूट ऑफ 1 minus eta square साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा. अभी इसमें सब वैल्यू आपको पता है, ईटा भी पता है. ओके और ओमेगा एन भी पता है आपको, और ओमेगा डी भी पता है, और थीटा भी पता है. ये सभी वैल्यू आपको पुट करनी है और ये जो पोर्शन है आपको ये थोड़ा सॉल्व करना है. सॉल्व करने के बाद जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो आपको लिखना है और बाकी का इक्वेशन वैसे की वैसे ही लिखना है. ओके तो ये हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट रिस्पॉन्स. ओके सो ये हो गया आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया प्रॉब्लम का. सो थैंक यू वेरी मच.